नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार और आला अधिकारियों द्वारा भले ही कानून व्यवस्था में सुधार होने के दम भरते हो, लेकिन कानून व्यवस्था का लसर रवैया चाहिए। ताजा मामला आजमगढ़ जिले का है, जहां एक अपराधी की कल यानी 23 मार्च को जेल से रिहाई होनी थी और जेल से रिहा होने वाले अपराधियों की लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी अपराधी जेल से बाहर नहीं आया। अपराधी के परिजनों का आरोप है कि जेलर की मिली भगत से अपराधी को पुलिस कहीं उठा ले गई है, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभियोगी पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था, जिसे 23 मार्च को रिहा होना था। परिजनों ने मुख्यमंत्री के साथ साथ मानवाधिकार आयोग और पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पास लिखित सूचना दे दी है। कहाँ पर कल इसकी जेल से रिहाई यहाँ भिजवाई गई और ये इनकी माँ ने बताया कि वो जेल से रिहा नहीं हुआ, तो वही से कहीं गायब हो गया। मैंने संबंधित कोर्ट में सीजन किया और संबंधित न्यायालय स्पेशल जज के यहाँ अपने कथन दिया हूँ, तो वो जगह और जेल से रिपोर्ट तलब की गई है। एसपी या डीएम से आप मुलाकात नहीं की? मैंने मुलाकात नहीं किया, फोन ऐसे किया हूँ। अच्छा, फोन से बात किए थे हमारे बार के अध्यक्ष, तो फोन पर क्या उन्होंने आश्वासन दिया? वो कहीं मुझे जानकारी नहीं। घबराओ मत, सारा हमारे मदद देते हैं, मदद देते हैं।